कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें चाहे वो नेता हों या कार्यकर्ता हों, सबका एक समावेशी विचारधारा को साथ लेकर पार्टी एक रणनीति तय करती है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं वो भी शीर्ष नेतृत्व तक हैं, नेताओं की जो भावनाएं हैं वो उनकी लोकसभा और विधानसभा के अनुसार जो परिस्थितियां हैं वो भी शीर्ष नेतृत्व के पास है, और शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उचित निर्णय लेगा, और जो निर्णय लेगा कांग्रेस पार्टी का ये एक परिवार है और कांग्रेस पार्टी का ये संस्कार है कि कार्यकर्ता हो या नेता सभी शीर्ष नेतृत्व के अनुसार खड़े होते हैं, चुनाव में लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस आधारित पार्टी है तो हमेशा संगठन के काम चलते रहते हैं। हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं, एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। तो हम लोग अभी लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद फिर सहकारिता के चुनाव, सहकारिता के बाद अब पुनः लोकसभा के चुनाव की तैयारी लगातार चलती रहती है, उसी निमित्त कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी हम लोग बैठे थे 20 तारीख को लोकसभा एक हिसाब से हमारे जो संयोजक हैं, जो लोकसभा संचालन समिति है, इस आधार पर हम लोग बैठक करके आगे जो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो कार्यक्रम दिए गए हैं, जो चुनाव के दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से, संगठन के कैसे ठीक निरंतर चलता रहे, और अभी जो चुनाव आयोग द्वारा 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान, ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में सदस्यता का हमारा कार्यक्रम चल रहा था, हमारे बूथ जो सब गठित हो गए हैं, बाकी जो बूथ बचे हैं उनको भी 30 अक्टूबर तक गठित करने का अपना पूरा अभियान, पूरा आयोजन है, ताकि हम लोग हर हालत में 30 अक्टूबर तक अपने पूरे ये कार्यक्रम मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का कर लें। हमारे जो बचे हुए वोटर्स हैं जिनके सूची में नाम नहीं है, जिनके वोट जो 18 साल की आयु पूर्ण कर रहे हैं 1 जनवरी 2019 तक, ऐसे सभी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाना, उनको वोटर बनाना, और हर बूथ पर जा करके भारतीय जनता पार्टी